5 सितंबर 2016 रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी एक अनाउंसमेंट करते हैं और इस एक अनाउंसमेंट ने आने वाले अगले एक साल के अंदर 13 से भी ज्यादा टेलीकॉम कंपनीज पर हमेशा के लिए ताला लगवा दिया। रिलायंस जियो हमारे देश में होने वाला एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसके कारण आज आप और मैं एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे को देख पा रहे हैं। 6 महीने तक इंटरनेट सबको फ्री में बांटा और हर एक इंसान को इसकी इस कदर आदत लगवा दी कि आज हम लोग इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकते। 15 महीने हैवी लॉसेस और उसके बाद एक ही झटके में 504 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करते हुए जियो ने मार्केट के अंदर एक अनबीटेबल पोजीशन बनाई। बट यू नो व्हाट, जहां पर हर एक टेलीकॉम कंपनी बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रही थी, वहीं पर एयरटेल ने कुछ ऐसा बहुत ही जबरदस्त किया जिसके कारण आज टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी हुई है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप चीजों को बहुत ही क्लोजली एनालाइज करो तो आपको ये पता लगेगा कि एयरटेल और जियो ये दोनों कंपनीज एक ऐसी मार्केट को टैप कर रही है जो कि आने वाले टाइम में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज की भी नींव हिला देगी। एयरटेल इज साइलेंटली प्लानिंग टू किल जियो। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, अगर हम गूगल करें तो आज भी जियो के पास एयरटेल से ज्यादा यूजर्स हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि 2021 के एंड आते आते तक अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया के पास 265 मिलियन यूजर्स थे, एयरटेल के पास 355 मिलियन यूजर्स थे और वहीं पर दूसरी तरफ जियो के पास 415 मिलियन यूजर्स थे। एंड अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो एयरटेल और जियो इन दोनों कंपनीज के बीच में करीब 30 से 40 मिलियन यूजर्स का एक्चुअल गैप है, यानी कि जियो के पास एयरटेल के कंपैरिजन में 30 से 40 मिलियन ज्यादा यूजर्स हैं। बट स्टिल इन दोनों टेलीकॉम जायंट्स के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है और इसी चीज की वजह से हमें आज भी ऊपर ऊपर से देखने में यही लगता है कि रिलायंस जियो एयरटेल को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से हरा रही है, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है वो चीजें और एयरटेल आखिर ऐसा क्या कर रहा है जो उसको आने वाले टाइम में जियो को बीट करने में मदद करेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कौन से पावरफुल बिजनेस लेसन्स हैं जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 2016 में, जियो का फ्री सिम लॉन्च होता है और लोग रातों रात अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को छोड़कर जियो पर शिफ्ट कर जाते हैं, जिस चीज के चलते जहां पर रिलायंस कम्युनिकेशन, टेलीनॉर और एयरसेल जैसी कंपनीज को बैंकक्रप्ट होना पड़ा, वहीं पर एयरटेल जैसी कंपनीज को अपने टैरिफ प्लान्स के रेट 1/10 पर लाने पड़ गए। फाइनली साल 2020, अब 3 साल हो चुके हैं और मार्केट के अंदर सिर्फ 3 ही कॉम्पिटिटर्स बचे हैं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। लेकिन अचानक कोविड आ जाता है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर चीज़ ऑनलाइन और ये एयरटेल के लिए एक ऐसी गोल्डमाइन अपॉर्चुनिटी बनती है उन घरों में घुसने के लिए जहां पर लोग ऑलरेडी जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं। पैंडमिक हिट होते ही जैसे ही सब कुछ ऑनलाइन मूव किया, एयरटेल ने तुरंत अपना फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क हर एक मेट्रो सिटी में पहुंचाना शुरू करवा दिया। सो टेक्निकली अगर आप एक जियो सिम यूजर हो लेकिन क्योंकि अब आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, आप एयरटेल का फाइबर ब्रॉडबैंड लगवाते हो। सो नाउ आपके फोन के अंदर जियो का सिम है लेकिन आपके घर पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड यूज हो रहा है, तो एयरटेल आपके घर में घुस चुका है। अब एयरटेल इस चीज को और ज्यादा इंसेंटिवाइज करता है ताकि आप उनके और ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय करो बाय गिविंग यू ऑफर्स। इसके साथ आपको एयरटेल एक्सट्रीम की सर्विस देते हैं जिसके अंदर आपको 17 OTP प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे फैमिली प्लान्स के ऑफर भी दिए जाते हैं जिसमें आप पूरी फैमिली का सिम एयरटेल में कन्वर्ट करा के अपने पैसे बचा सकते हो। सो इन सिंपल वर्ड्स, एयरटेल ने एक ऐसा प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम बनाया उन लोगों के घर में घुसने के लिए जो लोग ऑलरेडी जियो के कस्टमर्स हैं, बाई गिविंग देम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस एंड दैट टू एट अ लॉस, ताकि उनको अपसेल बाद में करके वो लोग इकोसिस्टम में रख भी पाए और उनसे अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाए। ये प्लान बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, बट यू नो व्हाट, इन बिजनेस एवरीथिंग कम्स विद इन एक्सपायरी। एयरटेल हर दिन नए यूजर्स ऐड करता जा रहा था, जिस चीज को देखते हुए जियो ने भी अपना ब्रॉडबैंड DTH गेम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली खेलना शुरू कर दिया एंड टेक्निकली ये दोनों लोग आज ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पर बैठे हैं। पर इंटरेस्टिंगली इन 2021 एयरटेल एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी अनाउंसमेंट करता है एंड दैट इज एंटरिंग द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी। एयरटेल ने ये नोटिस किया कि आज की डेट में एटलीस्ट 20-30% डिजिटल एड स्पेंड कंप्लीट वेस्ट होता है। कस्टमर क्लिक तो कर देता है एड पे लेकिन एड उसके रेलेवेंट होता ही नहीं है। आज की डेट में एक पेइंग कस्टमर एक एड को देखता है, उस एड को क्लिक कर देता है लेकिन बाद में उसे ये पता लगता है कि ये एड तो मेरे लिए रेलेवेंट है ही नहीं। बट ऐसे केस के अंदर भी जो एडवर्टाइजर है ना उसका पैसा कट जाता है क्योंकि कस्टमर ने एड पे क्लिक कर दिया। सो अगर आप ध्यान से देखो तो एयरटेल का इकोसिस्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। नंबर 1 एयरटेल की सिम, नंबर 2 एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन और साथ में लैंडलाइन, नंबर 3 DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम TV में जो लगता है, नंबर 4 एयरटेल का थैंक्स ऐप जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो, एंड 5th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरटेल विंक म्यूजिक। आने वाले कुछ ही समय में एयरटेल अपने इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग लोगों को अलग तरीके के एड्स दिखाएगा जिसके थ्रू वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बट यू नो व्हाट,
इसमें भी एक कैच है। बट बिफोर दैट, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक वर्किंग इंडिविजुअल हो या फिर आप एक स्टूडेंट क्यों नहीं हो, आप जो भी चीज कर रहे हो अगर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करना चाहते हो एंड दैट टू विदाउट इन्वेस्टमेंट, देन आई हैव समथिंग वेरी नाइस फॉर यू। ग्रोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म वे यू कैन अर्न मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ बाय सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। आप एक्सिस, बजाज फिनसर्व, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी और ऐसे कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लोगों को रिकमेंड करके, लोगों को सेल करके अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हो। और ये करना जनरली बहुत ही आसान है। बस आप ग्रोमो के ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद खुद को रजिस्टर करो और अपनी बैंक डिटेल्स फिल करो। वॉच द ट्रेनिंग वीडियो और जो ब्रांड के लिंक्स है उनको कस्टमर्स के साथ शेयर करना शुरू करो। एंड जैसे ही आप अपनी पहली सेल करोगे तो आपका ब्रांड एक्टिवेट हो जाएगा। अपनी जो आपने अर्निंग्स करी है वो आपके ग्रोमो के वॉलेट के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिसको आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। इसके अलावा अगर आप किसी को ग्रोमो रेकमेंड करते हो तो आप उनकी जो रेफरल इनकम है उसका 5% कमाओगे, वो भी लाइफ टाइम तक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कमाना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट ग्रोमो। ग्रोमो का लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ग्रोमो इकोसिस्टम। आप एक बार एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लो, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि एक बार आप किसी कस्टमर को इकोसिस्टम के अंदर ले आओ ना, तो वो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज करेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी के पास एयरटेल का सिम है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो अपना म्यूजिक सुनने के लिए विंक का म्यूजिक ऐप यूज करता होगा, जो कि एयरटेल का है। और अगर उसे अपने OTT प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करना है तो उसको 17 OTT का एक्सेस मिल जाता है अपने एक्सट्रीम ऐप के ऊपर, तो वो एयरटेल का एक्सट्रीम ऐप भी यूज करता होगा। सेम गोज विद पीपल जिनके पास ब्रॉडबैंड का नेटवर्क है, वो भी एयरटेल का एक्सट्रीम ऐप यूज करते होंगे और वो भी विंक म्यूजिक के ऊपर ही गाने सुनते होंगे। इसका एक और रीजन ये भी है कि एयरटेल के जो इकोसिस्टम के अंदर ज्यादातर सर्विसेज है ना, वो एयरटेल ने फ्री रखी हुई है। बट यू नो वॉट, इट इज केप्ट फ्री विद अ पर्पज, क्योंकि एक बार ये आप फ्री सर्विस यूज करके एयरटेल के इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर लिए, देन इकोसिस्टम आपको इस तरीके से हुक करता है कि आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो अगर आप विंक का ऐप यूज करते हो अपने म्यूजिक के लिए, तो उस केस के अंदर आपकी जो प्लेलिस्ट है वो सारी की सारी विंक के ऊपर आ जाएंगी, और आप उस प्लेलिस्ट को नहीं खोना चाहते तो आप विंक के ऐप को यूज करना बंद नहीं करोगे। सिमिलरली एक्सट्रीम, अगर आप एक्सट्रीम ऐप का यूज करते हो अपने OTTs को एक्सेस करने के लिए, तो उसके थ्रू आपकी वहां पर भी रिकमेंडेशंस और प्लेलिस्ट सेट है जो चीजें आप देख रहे हो, जिसको आप लूज नहीं करना चाहते हो। और अगर कोई एयरटेल का DTH यूज करता है तो उसको एयरटेल इतने सारे HD चैनल्स फ्री में देता है कि वो चाहकर भी अपने DTH नेटवर्क को बदलना नहीं चाहता। और इसी चीज का यूज करके एयरटेल अपने 350 मिलियन यूजर्स को कहीं ना कहीं पर एड दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करेगा, सेम उसी तरीके से जैसे आज गूगल और फेसबुक करती है। सो एयरटेल मेनली आपको ये 6 तरीके के एड्स दिखाएगा: डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, ऑडियो एड्स, SMS एड्स, कॉल के ऊपर एड्स जो आपको आज भी देखने को मिलते हैं जिन्हें आप काट देते हो, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने DTH नेटवर्क के ऊपर एड्स। लेकिन आई नो आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा सेम इकोसिस्टम तो जियो के पास भी है, एंड मोर ओवर जियो का इकोसिस्टम तो एयरटेल के इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा बड़ा है, देन व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट एयरटेल? वेल, इसको समझने के लिए आपका इन 4 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नाउ पे वेरी क्लोज अटेंशन ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ। सो अगर आप देखो तो जो एयरटेल का इकोसिस्टम है उसके अंदर एयरटेल का टेलीकॉम, एयरटेल का DTH, एयरटेल का ब्रॉडबैंड, उनका थैंक्स ऐप और विंक म्यूजिक आता है। वहीं पर अगर आप जियो का इकोसिस्टम देखो तो वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर जियो का टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, जियो TV, जियो सिनेमा, जियो न्यूज़पेपर, जियो मनी और जियो सावन म्यूजिक सुनने के लिए। आई नो ये सारी चीजें देखकर आप क्या सोच रहे हो कि जियो के पास तो एयरटेल से बहुत ही ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम है, जिस पर वो अपने कस्टमर्स को एड्स दिखाकर एयरटेल से बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है एड्स से। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेके आता है हमें दूसरी चीज की तरफ, एंड दैट इज डेटा कंजम्पशन। अगर आप देखो तो एक जियो यूजर ऑन एन एवरेज हर महीने 12 से 14 GB का डेटा कंज्यूम करता है। वहीं पर ऑन दी अदर हैंड जो एयरटेल का यूजर है वो हर महीने 16 से 20 GB का डेटा कंज्यूम करता है। सो सिंपली अगर बोले, ज्यादा डेटा यानी ज्यादा कंटेंट, ज्यादा कंटेंट कंजम्पशन यानी कि ज्यादा एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। लेकिन एक पल को मान लो कि ऐसा ना भी हो, स्टिल एयरटेल के पास एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो जियो चाहकर भी कभी बिल्ड नहीं कर सकता, एंड दैट इज ARPU, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 167 रुपीज, वहीं पर एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है 178 रुपीज। लेकिन ये जो 10 रुपए है ना, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो दोनों के कस्टमर्स की साइकोलॉजी से। आई टेल यू हाउ। जो जियो के यूजर्स हैं उन लोगों को जियो का सिम पहले फ्री में मिला था, जिसके बाद अब वो जियो यूज करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। सो टेक्निकली ज्यादातर लोग जो इस टाइम पर जियो यूज कर रहे हैं वो या तो लोअर मिडिल क्लास या गरीब लोग या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको बस फ्री में इंटरनेट दिया गया, अब क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है तो वो लोग 150 रुपए महीना यूज करके अपने जियो सिम का जो नेटवर्क है उसको कैरी कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो एक एयरटेल का यूजर है
वो 2016 से पहले जब जियो नहीं आया था उससे पहले भी अच्छे खासे पैसे 500 से 800 रुपए हर महीने खर्च कर रहा था अपने डेटा और टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर। सो टेक्निकली जो दोनों कस्टमर्स की साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अलग है। सो अगर आप इस चीज को बहुत ही क्लोजली देखोगे, जो मेजॉरिटी एयरटेल यूजर्स है उनकी एक हाई स्पेंडिंग पावर है, उनके पास पैसा है ज्यादा खर्च करने के लिए भी, एंड मोर ओवर उनकी एक हाई स्पेंडिंग हैबिट भी है क्योंकि वो एयरटेल ही यूज करते हुए आ रहे हैं, तो वो पहले भी पैसा खर्च करते थे जब जियो नहीं था तब भी, तो उनकी आज भी वो हैबिट बरकरार है। अब देखो कि इस चीज से आखिर क्या फर्क पड़ता है। हर एक टेलीकॉम कंपनी के पास कस्टमर्स का बिहेवियरल डेटा है क्योंकि कस्टमर इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज कर रहा है वो अल्टीमेटली उनके टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास वो डेटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है स्किन बाय टाइटन जो कि लग्जरी परफ्यूम्स में डील करते हैं। नाउ सी कि ये उनके लिए कैसे काम करता है। मान लो वो एयरटेल को अप्रोच करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग के लिए। अब एयरटेल के पास उन लोगों की लोकेशन है जो कि महंगी जगहों पर जाते हैं। इसके साथ साथ एयरटेल को यह भी पता है कि वो एक्चुअली में कौन सी जगह पर जा रहे हैं, जिस चीज़ के चलते उन्हें यह समझ में आ जाता है कि आप जो लोग हो आपकी जेब में पैसा कितना है खर्च करने के लिए और आप रेगुलरली पैसा कितना खर्च कर रहे हो। क्योंकि अगर आप एक एयरटेल यूज़र हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप एयरटेल का थैंक्स ऐप भी यूज़ करते हो जिसमें आपका सारा का सारा ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मान लो आप किसी भी दुकान में जा रहे हो और आप थैंक्स ऐप भी नहीं यूज़ करते, आप पेटीएम या गूगल पे यूज़ कर रहे हो, स्टिल आप इंटरनेट का यूज़ करके अपनी पेमेंट्स कर रहे हो, जिस चीज़ के चलते एयरटेल को आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स का भी पता लग जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस, आपका जो डिजिटल डेटा कंजम्पशन है वो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कब कंज्यूम कर रहे हो और कितना कंज्यूम कर रहे हो, हर एक चीज पता है कंपनी को। एंड मोर ओवर क्योंकि एयरटेल के जो ज्यादातर कस्टमर्स हैं वो प्रीमियम कस्टमर्स हैं, वो सब लोग हाई टिकट बायर्स हैं, यानी कि वो लोग एक्चुअली में लग्जरी प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जिस चीज के लिए एयरटेल स्किन परफ्यूम से एक अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो प्रीमियम ऑडियंस है जिनको वो प्रॉपर तरीके से टारगेट करके उनका प्रोडक्ट बिकवाने में मदद कर सकते हैं। वेयर एज जियो ये चीज नहीं कर सकता क्योंकि उनके ज्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रीमियम यूजर्स नहीं है। सो टेक्निकली एयरटेल कम एड्स भी रन करेगा, स्टिल वो एक प्रीमियम चार्ज करके जियो से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने एड बिजनेस के थ्रू। जियो के पास एयरटेल से बड़ी रीच भी है और एयरटेल से ज्यादा कस्टमर्स भी हैं, बट स्टिल जियो के पास जो ज्यादातर कस्टमर्स हैं वो उनके पास तब आए थे जब जियो ने फ्री में सिम दिया था और अब वो लोग मजबूरन पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो लोग डेटा की आदत को छोड़ नहीं पा रहे हैं। बट यू नो वॉट, ज़्यादातर लोग उनमें से हाई टिकट बायर्स है ही नहीं, वो लोग उतना पैसा मार्केट में खर्च ही नहीं करते जिनको प्रीमियम एड्स दिखाने का कोई फायदा नहीं है। सो टेक्निकली जियो प्रीमियम एड्स दिखा ही नहीं सकता अपने ज़्यादातर यूजर्स को। एंड टू टेल यू, टू डबल डाउन दिस गेम, एयरटेल ने कुछ ऐसे रिटेनर प्रोडक्ट्स अपने इकोसिस्टम के अंदर लॉन्च करे हैं कि एक बार आप उन प्रोडक्ट्स को खरीद लो देन देर इज नो गोइंग बैक। एयरटेल ने रिसेंटली अपने ब्लैक प्लान्स लॉन्च करे हैं जिसके अंदर ₹1598 में लोगों को फाइबर ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, OTT एप्स का एक्सेस, विंक म्यूजिक और साथ साथ दो पोस्टपेड कनेक्शन के सिम भी मिल जाते हैं। सो टेक्निकली इट इज अ बंडल पैक और एक बार आप इसको ले लो तो आप एयरटेल के इकोसिस्टम के अंदर सारे प्रोडक्ट्स यूज करोगे और एयरटेल आपको उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर एड्स दिखाकर रेवेन्यू जनरेट करेगा। प्लस टू मेक इट बेटर देन गूगल एंड फेसबुक, एयरटेल ने एक्लिज नाम की एक ब्लॉकचेन एज अ सर्विस कंपनी के साथ भी टाइप किया है ताकि वो लोग अपने पूरे एड नेटवर्क के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डाल पाए, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि जितने भी कस्टमर्स जो एड्स देख रहे हैं वो लोग उन एड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर किसी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर एड नहीं देखना तो ही कैन से नो टू इट। और ये सब कुछ लेकर आता है हमें उन पावरफुल बिजनेस लेसन की तरफ जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन, बिल्ड अ मल्टीपर्पज इकोसिस्टम। आज की डेट में हर एक कंपनी इकोसिस्टम बनाने में लगी हुई है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ऑफर करके वहां से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इन द सेम वे जैसे कि एयरटेल और जियो आज की डेट में कर रहे हैं। जो लेके आता है हमें सेकंड लेसन की तरफ, एम टू विन इन द लॉन्ग रन। एयरटेल और जियो इन दोनों कंपनीज का ये एम है ही नहीं कि ये लोग आज बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट निकाल ले। इनका एम ये है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड करा जाए जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके आने वाले टाइम में मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू क्रिएट करी जा सके। एक तरफ एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर बेस के एडवांटेज पे बैठा हुआ है और वहीं पर दूसरी तरफ जियो अपनी टेक्नोलॉजी और कैपिटल के। आगे क्या होता है देखते हैं। हर एक कंपनी की ना एक कहानी होती है, एंड स्पेशली तब जब आपको कोई स्कैम करना हो। ऐसी एक कहानी है सत्यम स्कैम की, वो कहानी जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक लोगों को कभी बताई ही नहीं गई है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कोई खुद ही स्कैम करके खुद को एक्सपोज क्यों करेगा। वेल, अगर ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।